नमस्कार, आप देख रहे हो BCN न्यूज और आज हम आए हैं ताजबाग। अगर वो मस्जिद के गुनाहगार है, आप मस्जिद के गुनाहगार की बात करते क्यों लिया? ये बात को झुठला नहीं, आप ये बात को झुठला नहीं सकते। आप ये बात का जवाब दीजिए क्यों? उनको भी कांग्रेस के जमाने में खड्डे में डाल दिया गया, उस पर कोई अप्लीमेंट किया नहीं गया है। वही पहलू, क्योंकि कांग्रेस से लोग भागते बीजेपी में, बीजेपी से भागते कांग्रेस में, दोनों एक सिक्के के दो पहलू मैंने बताया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हो BCN न्यूज और आज हम आए हैं ताजबाग, जो कि सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि यह लोकसभा चुनाव का जो है रणबेड़ी बज चुकी है, सभी और जोर शोर से जो प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में आज हम आए हैं जानने के लिए कि नागपुर के मुस्लिमों का रुख किस और है। और हम आज जानेंगे हमारे चुनावी महासंग्राम के जरिए से मुस्लिमों के सियासती मुद्दों को, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सभी पार्टी के, मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट हो और MIM, ऐसे पार्टियों के नेतागण, उनसे हम आज चर्चा करेंगे हमारे चुनावी महासंग्राम में मुस्लिम का रुख किस और इस विषय को लेकर। तो चलिए मेरे साथ हम परिचय करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है आनंद सिंह, है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट से है, संतोष सिंह, जिसके बाद हमारे साथ है एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के हाजी अशरफ खान, साथ ही हमारे साथ खुद्दाम ट्रस्ट चेयरमैन के सैयद मोहम्मद मोबी ताजी जी है, साथ ही साथ हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी उबाठा के कांग्रेस से हमारे साथ वसीम खान हैं, और हमारे साथ मोहसिन जफर खान BJP से है। तो इन सभी से हम सियासती मुद्दों पर, मुस्लिमों के सियासी मुद्दों पर और मुस्लिमों का रुख किस ओर है, इस पे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या मैनिफेस्टो है कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, ये बताइए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है, और अगर से ये जो आज का चौपाल है ये लगाया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पहले भी कांग्रेस खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और आगे के मैनिफेस्टो में भी मुस्लिम के एजुकेशन से लेकर प्लेसमेंट तक, एम्प्लॉयमेंट तक, हर चीज़ मैनिफेस्टो में क्लियर कट है। जो BJP द्वारा हर साल 2 करोड़ जॉब और 15 लाख बैंकों में, ऐसे फोकनाड़ मैनिफेस्टो हमारे नहीं है। जो करेंगे, राहुल जी ने जो बोला है वो हो रहा है, आप देख रहे हो, आप देख सकते हो, हैदराबाद में सरकार आई हुई है, जितने भी मैनिफेस्टो उसमें लिखे गए थे वो सब चीज़ों पे काम हो रहा है, बहुत चीज़ें अचीव भी कर दी है। वैसे जो भी हमारा मैनिफेस्टो है बहुत क्लियर है और उसी को लेकर काम होगा। कांग्रेस की ओर से जो है मैनिफेस्टो बहुत ही क्लियर है, ऐसा कहा गया है। BJP से जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सा मैनिफेस्टो जाहिर किया गया? आपने सबसे पहले हमारे छोटे भाई वसीम खान साहब से ये सवाल किया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। जब सवाल आपका मुस्लिम से रिलेटेड है और मैनिफेस्टो की बात है, तो मैनिफेस्टो के अंदर में आप कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो को निकाल के देख लीजिए, कहीं भी मुस्लिम समाज का जिक्र नहीं है। सबसे ये पहली बात आपको मुद्दे की बताऊँ। दूसरी बात, श्री राजीव गांधी जी ने पूरे देश में पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जी ने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, गाड़ी से की है, पैदल की है, हर तरीके से की है, लेकिन उसमें उन्होंने किसी भी मुस्लिम समाज के मुद्दे पर बात नहीं की। और रही बात BJP के मैनिफेस्टो की, तो BJP का मैनिफेस्टो साफ है, सबका साथ सबका विकास, और नितिन जी करेंगे नागपुर का विकास। तो हमने सुना कांग्रेस और BJP का मैनिफेस्टो, उसमें साफ कहा गया है BJP की ओर से सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्लियर है ऐसा बताया गया है। साथ ही अभी जो हमारे साथ BJP के नेता है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी रैली में कभी भी मुस्लिमों को लेकर कोई चर्चा नहीं की या मुस्लिमों का मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे हम जानते हैं कितना सहमत हो आप, इससे पहले राजनीति में थे, कांग्रेस की ओर से आपने कई राजनीति देखी है और अभी भी आप राजनीति में हो, क्या बताएं? देखिए, ऐसा है कि फ़िलहाल मैं नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ। नागपुर शहर में जो आपका सवाल है कि मुसलमान का रुझान किस तरफ है, तो जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से कि शहर में सिर्फ नाम का विकास नहीं चलेगा,
इस शहर में काम का विकास चलेगा। इस शहर को बनाने वाले की बात और बिगाड़ने वालों की बात ये चलेगी। इस बार आप मुसलमानों को वो मुद्दों के ऊपर ले जाकर जो मुद्दे हमारे नौजवान भूलना चाहते हैं उसको खुरेद कर, अगर आप ये सोचते हैं कि मुसलमानों को जज्बात में लाकर मुसलमानों से ऐसे ही वोट ले लेंगे तो इस बार नहीं चलेगा। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको कि महाराष्ट्र में 288 सीट है और मुसलमानों की महाराष्ट्र में आबादी है 11.4%। दैट मीन्स हमको 33% की उसमें वो मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जहाँ 33 MLA होना चाहिए था वहाँ सिर्फ 10 है जो कांग्रेस ने दिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब पिछले वक्त कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी 2.5 साल सत्ता में थी तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जब CM थे तो उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला। कांग्रेस चुप रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। और आप जानते हैं उस्मानाबाद किसके नाम पे रखा हुआ है? उस्मान अली खान साहब, जिसने 5 टन लोहा व 5 टन सोना जिन्होंने राजकीय कोष में दिया था लाल बहादुर शास्त्री के वक्त। तो कैसा है कि नागपुर में मुसलमान और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में मुसलमान के लिए कोई विकल्प नहीं है मैडम। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को विकल्प मिला वो वहाँ पर कांग्रेस 4th नंबर पे आज तक जीत नहीं पाई। महाराष्ट्र में मुसलमान कांग्रेस को मजबूरी में वोट देता है। ये मुद्दा लेकर हम BJP के नेता के पास जाएंगे, मजबूरी में वोट देता है ऐसा उनका कहना है और कई मुद्दों को लेकर आपको आड़े आते हैं। आज तक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को दूर ही तो रखा है, तो ये उनकी मजबूरी है बेचारों की कि उनको मजबूरन कांग्रेस को वोट देना पड़ता है। हमेशा ये जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमानों के साथ ये कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे तो मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे तो भाई से भाई को लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज 10 साल हो गए, 2014 से 2024 में हम कदम रखे, इन 10 सालों के अंदर में मुझे बताइए कहाँ कोई दंगा हुआ? मुझे बताइए कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दूर रखा? कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान क्षेत्र के अंदर में विकास नहीं किया? आज आप नागपुर शहर में खड़े हैं, मैं इस सरजमीन की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने, इस दरबार परिसर का क्षेत्र का आप चेहरा मोहरा देख लीजिए। 2014 के पहले आप जब यहाँ पर आते थे उस समय यहाँ का हाल जो था वो निंदनीय था। इस बस्ती के अंदर में लोगों को तकलीफें थी, दरबार का विकास नहीं था, इस क्षेत्र के अंदर में गंदगी थी। आज देख लीजिए वही क्षेत्र सरकार के आज 250-300 करोड़ रुपए के ऊपर की लागत सरकार ने दी है। ये मुसलमानों का ही तो विकास है। ये सरकार किसके है? सरकार नागपुर शहर के सभी लोगों के, लेकिन सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनको मुसलमान समाज का एक रहनुमा जो नागपुर शहर से पूरे देश और विदेशों में जाना जाता है, उनका विकास हुआ है। तो नागपुर का एक नागपुर शहर के अंदर में मुसलमान को कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ। अगर यहाँ का विकास होता है तो पूरे मुस्लिम समाज का विकास हुआ है ऐसा आप कह सकते? यहाँ कहीं नहीं, गडकरी साहब ने जब उनको पूरे नागपुर शहर के अंदर में जब वो आमदार थे तो सारे आमदारों को एक एक कॉलेज दिया गया था। गडकरी साहब के भी इससे में कॉलेज आया था, वो था इंजीनियरिंग कॉलेज। वो इंजीनियरिंग कॉलेज गडकरी साहब जी ने अंजुमन हामी इस्लाम को दिया और आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज से मुसलमान कौम के बच्चे 35,000 बच्चे बच्चियाँ इंजीनियर बन के निकले। तो क्या ये मुसलमान का विकास नहीं हुआ? क्या ये MIM से जानेंगे? हम MIM के नेता हैं, उनसे जानेंगे, प्रवक्ता है ये, क्या बताओ? ये सब झूठ है। ये चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों को ये समझ जाओ कि मुसलमानों का वोटों की दोनों को ज़रूरत है मगर मुसलमानों के विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हालात इस देश के अंदर में देश की पूरी जनता जानती है इनकी क्या भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस से BJP में भागते हैं, BJP से कांग्रेस में भागते हैं, ये सारी जनता जानती है। रही बात विकास, ऑलरेडी पहले से ही तो कांग्रेस के साथ मुसलमानों का वोट डिवाइड करने के लिए तो जगह जगह खड़े करते हैं, पूरे महाराष्ट्र से वोट डिवाइड करने खड़े करते हैं। ना मुसलमान को इधर जान देते, ना मुसलमानों को इधर जान देते। अरे तुम अपने पास में, अगर अपने पास में इतनी ताकत रखते हो कि बोला नहीं, हमने बीच में बोला नहीं है, आप ये बीच में बोल रहे हैं, आप हम पे तोहमत मत लगाइए कि नागपुर शहर के विकास की बात कर रहे हैं। ये ऐसा विकास
जो उन लोगों ने जो विकास किया है खाली बिजनेसमैन वालों के लिए विकास किया है, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं। नागपुर शहर के अंदर में पूरी मुसलमान एरिया के अंदर में कोई भी, आज 10 साल से खासदार और मंत्री रहे नितिन गडकरी साहब, देखो आज मुसलमान एरिया के अंदर में कौन सा विकास हुआ है। हमारा ताजबाग भी देख लो कौन सा विकास हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ ये लोग बोलने का काम करते, विकास करने का कोई काम नहीं करते। इनको सिर्फ वोटों की जरूरत है मुसलमानों की, इनकी विकास की कोई जरूरत नहीं है। वोट बैंक की तरह हमेशा रही है और रहेंगी, लेकिन आपका वोट जो है मुसलमान का आज तक कांग्रेस को गया, लेकिन इस बार नहीं जाएगा। इस बार गडकरी साहब ने जो आपने कहा है ना कि मोहल्लों के अंदर में विकास नहीं है, नागपुर शहर के मुसलमानों के मोहल्ले में, आप देखिए ताजबाग के अंदर जैसे आप एंट्री लेते हैं, एंट्री से खूबसूरती नजर आती है नागपुर शहर के हर जगह जगह में। ये मेट्रो, ये सीमेंट रोड, ये घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमा योजना, ये किसके लिए है? क्या फालतू मुसलमानों के? कांग्रेस की ओर जाते हैं, उनसे जानते हैं। पहली बात तो जो मेरे भाई, मेरे दोस्त मोहसिन भाई ने ये बात कही कि बीजेपी ने ताजबाग का विकास करी, तो ये सरासर गलत है। ताजबाग का विकास ताजबाग ट्रस्ट ने करी है और ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन ने किया, ठीक है। और दूसरी बात जो इनने बोले है कि बीजेपी से मुसलमानों को आपत्ति है, बीजेपी ने विलासराव देशमुख के ज़माने में भी फंड आया था और वो फंड अभी तक चल रहा था, आप एक बार नॉलेज लेकर आइए, ठीक है। और दूसरी बात ये बोली गई है कि बीजेपी की, वो मुसलमानों को बीजेपी से नफरत है और बीजेपी के नाम से जाने दूर रखा गया है मुसलमानों को। तो अभी जो हाल ही के कैंडिडेट है श्री नितिन गडकरी जी, उन्हीं के साहबजादे, उन्हीं के लड़के स्टेटमेंट देते हैं कि आप बीजेपी को न देखिए, आप मेरे पिताजी को देखिए और वोट दीजिए। तो उनको भी समझ में आ गया है कि मुसलमान का वोट किस साइड जाने वाला है। और व्यक्तिगत बात है, ठीक है, गडकरी जी ने काम करे, गडकरी जी ने विकास करे, तो गडकरी से हमें बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। तो हम मानते हो गडकरी जी ने विकास ना? नहीं, गडकरी जी को देखिए, सीधा सीधी बात है, गडकरी जी ने जो विकास किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। इससे कोई नहीं झुका है कि मेट्रो लाया तो मेट्रो का प्रोजेक्ट लाने वाली भी कांग्रेस है, मिहान लाया, मिहान भी विलासराव देशमुख विलास मुत्तमवार के टाइम आया हुआ है, उसको उनने इनिशिएट लिया और किया, ठीक है किया, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ किए? नागपुर के लोग मिहान में काम कर रहे हैं, नागपुर के लोगों को बेंगलोर, पुणे, मुंबई जाना पड़ रहा है। मेट्रो में कौन काम कर रहा है? मेट्रो में जो आरएसएस का रिटायर्ड आदमी है उसका लड़का काम करता है, आरएसएस की विचारधारा वाला काम करता है, कौन नागपुर का काम कर रहा है? खुदाम ट्रस्ट के जो चेयरमैन है उनसे हम जानेंगे कि कितना सहमत हो आपकी मुस्लिम, जो अभी बताया कि मुस्लिम समाज का विकास हो रहा है बीजेपी के इसमें, यहाँ का विकास हुआ है, क्या बताएं? देखिए, मैंने बीजेपी वालों की भी बात सुना है, कांग्रेस वालों की भी बात सुना, सब दावे करते हैं कि हमने किया हमने किया। सरकार ताजुल औलिया के यहाँ विकास के लिए, सौंदर्यकरण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, उस पैसे से यहाँ विकास हुआ है। और पहले जो यहाँ पर ट्रस्ट था वो सरासर चोर ट्रस्ट था, उन्होंने बाबा के पैसे का गलत उपयोग किया, वो सरासर फ्रॉड काम किया उन लोगों ने। लेकिन ये जो ट्रस्ट आया है ये ट्रस्ट ईमानदार है, एक एक पैसे का खाता जो है पब्लिक के सामने शो करते हैं और सबके सामने पैसा गिना जाता है। ये ट्रस्ट जो है ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, यहाँ का जो बचा कुचा जो विकास बाकी था वो गडकरी जी के कहने पर यहाँ का सारा विकास हुआ है। गडकरी जी के कहने पर जो है ताजबाग का पूरा विकास हुआ है, ऐसा कहना है। मैं जो है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के हैं उनसे पूछना चाहूँगी, नेता क्या बताओगे सर इस पूरी चर्चा को लेकर? सबसे पहले ताजुद्दीन बाबा को सर झुकाते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये अलग अलग तरीके से विकास को परिभाषित किया जा रहा है, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सिर्फ विकास मान लेते हैं, आपके घर में सिर्फ मकान बन गया तो विकास हो गया क्या? नहीं, सच्चर कमेटी बनी 2005 में मनमोहन सिंह ने, यह समझने के लिए कि सही में मुसलमानों को किस तरह की विकास की आवश्यकता है। उन्होंने देखा सोशल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। सोशल इकोनॉमिक्स क्या है? इससे बिल्डिंग बनाने से, रोड बनाने से सोशल इकोनॉमिक्स मुसलमानों की बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उनको उनके हाथों को काम देना पड़ेगा। तो इस पर क्या काम हुआ है? इस पर कोई अलग से कमेटी बनी क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करके संस्था है, वो मुसलमानों को फंड प्रोवाइड करती थी उनको ग्रोथ के लिए, वो बढ़े आगे। ऐसे कौन से काम हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में 10 साल में इन्होंने किया
उस पर चर्चा होना चाहिए। चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि आपने सड़क बना दी, आपने मेट्रो बना दी, ठीक है ना, मेट्रो बनेगी, सड़क बनेगी, हर समय जब आधुनिकता आती है तो नई नई चीज़ें बनती है। कांग्रेस आई तो सीमेंट रोड, कच्चे रोड से डामर रोड आया, अभी बीजेपी आई डामर रोड से सीमेंट रोड आया, इसके बाद और कोई सरकार आएगी आधुनिकता बढ़ेगी तो शायद सीमेंट रोड से भी ऊंचा कोई रोड बनेगा, ये चीज़ नहीं है। आज हमको मुसलमान जो बोल रहे हैं एक तरफा वोट, ये ऐसा नहीं है, मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और वो अपने वोट की अहमियत को पहचान रहा है। अच्छा रही बात, एक साहब बोल रहे थे कि ऐसा परिदृश्य किया जा रहा है कि ये बीजेपी से नाराज़ है कांग्रेस के फेवर में, नहीं नहीं, आपकी हरकत डिसाइड करती है कि आपसे मुसलमान नाराज़ है कि खुश है। आप किस तरह की हरकत की इतिहास में चेक करो, आपने अपने हरकतों से बताया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो मुसलमान के फेवर में नहीं है, और कांग्रेस ने सर्वधर्म संभव रखने की कोशिश की। ऐसी कौन सी चीज़ें, मतलब कौन से मुद्दे हैं कि ऐसा लगता है मुसलमानों को वो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ? सबसे खतरनाक मुद्दा मुसलमान को नहीं, इस देश के आम नागरिक को है, उसकी सुरक्षा, उसकी सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है। गरीब की सामाजिक सुरक्षा, जिसकी 12,000 तनख्वाह है मैडम, वो आदमी क्या करेगा? उसके लिए 200 रुपये का अगर पेट्रोल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ सिर्फ 1,000 रुपये आते हैं पेट्रोल के लिए अलग निकाल के रखता, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। सुरक्षा को लेकर इन्होंने सवाल उठाया है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगी, कांग्रेस के नेता है, क्या बताओ? मेरे छोटे भाई संतोष जी ने दो दी है, एक तो स्वच्छर कमेटी, मैं इनको बता दूँ कि जब स्वच्छर कमेटी बनी तो उस वक्त कांग्रेस थी, बीजेपी को आने को सिर्फ पिछले 10 साल हुए। स्वच्छर कमेटी बनी 1981 में, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट की थी कि स्वच्छर कमेटी को इम्प्लीमेंट करे, जो आज तक नहीं हुई। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कमीशन, तो मैं आपको बता दूं जब कांग्रेस की और एनसीपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी तो उसका फंड सिर्फ 100 CR था। जब सुशील कुमार शिंदे जी की और ये दूसरी जो कलते अपना बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने अपना ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सत्तार, जो मिस्टर सत्तार है, जो मिनिस्टर है वक्त के, उन्होंने इसको 650 करोड़ रुपए का इन्होंने उसको अनुदान दिया, ठीक है। तो मेरा ये कहना है इनसे कि बात उसकी नहीं है कि कौन मुसलमानों के लिए कर रहा है और कौन मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा है, आज जो मुसलमान इस शहर का है वो इतना समझदार हो चुका है कि अब उसको पुरानी बातों को बताकर उनका वोट नहीं ले सकते, है ना। दूसरी चीज़, हम जो खड़े हैं आज गडकरी साहब के लिए, हम गडकरी साहब के लिए खड़े हैं, उसकी बहुत सारी वजहें बताते हैं। आप कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट हो, बीजेपी का समर्थन कर रहे हो, क्या बताओ? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अरे अरे यार, वाइस प्रेसिडेंट, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नाराज़गी क्या है, मैं आपको बताता हूँ आज, ठीक है, कि पिछले 25 सालों से कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है उनका एक ही काम चल रहा है, एक दूसरे को निपटाने का, समझे ना। कांग्रेस में जो है राजनीति है, अंदरूनी गुटबाजी है, ये सब चर्चाएं होती रहेगी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि जो नागपुर की मुस्लिम जनता है उसका रुख किस तरफ है, किसे वो वोट देना चाहती है और क्या उनकी सियासती मुद्दे है, इन सब को लेकर हम जाएंगे कांग्रेस के पास। आप कई आंदोलन करते हो रोज शहर में, अभी हमें बताइए कि कौन से मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए कार्य होना चाहिए? मुस्लिम समुदाय के लिए कार्य होना चाहिए कि मुस्लिम समाज किसको वोट डालेगा, दोनों मेरे सवाल है, काम भी मतलब कौन से काम होना चाहिए और क्या लगता है क्या रुख है? अभी तक हमारे जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार श्री नितिन गडकरी जी को मुसलमानों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि अभी तक उनको वोटों की ज़रूरत नहीं थी मुसलमानों के। 2014 में उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मुसलमान वोट दे या ना दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उनको वोट की ज़रूरत है तो कार्य बता रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मस्जिद बना दूंगा। अरे जिसने मस्जिद तोड़ी है या इतिहास जानता है तो वो क्या मस्जिद बनाएंगे, वो कौन मस्जिद बनाएंगे, है ना। मैं ये मुद्दा लेकर आपके पास आना चाहती हूँ कि तोड़ी का मुद्दा आया है तो मस्जिद जिसने ये खुला बयान दिया है, माननीय सम्माननीय श्री बाला साहब ठाकरे ने अपने बयान में साफ साफ कहा है
कि बाबरी मस्जिद शहीद अगर मेरे शिवसेना के कार्यकर्ता ने किया है तो मुझे फख्र है। तो ऐसे शिवसेना के पार्टी के नेता के बेटे को आज कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ में क्यों लिया? अगर वो मस्जिद के गुनाहगार है, आप मस्जिद के गुनाहगारों की बात करते क्यों लिया? आप बात को झुठला नहीं साथ में रह रहे हो? ये बात को झुठला नहीं सकते। आप ये बात का जवाब दीजिए, क्यों कांग्रेस उसके साथ में है? बाल ठाकरे के साथ बाल ठाकरे ने कभी भी, बाल ठाकरे ढाई साल मुख्यमंत्री रहा, कभी कांग्रेस का कोई विकास कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में रहा? लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप पीएम की बात कर रहे हो, तो पीएम का रिज्यूमे देखो। पीएम जो स्टेट से मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं वो गुजरात के दंगे मुसलमान नहीं भूले और कभी नहीं भूल सकते। और बात ये रहे, बात यहाँ तुम डेवलपमेंट की करते हो तो यहाँ भी कई मस्जिदें उड़ी है, यहाँ भी खुद के स्वार्थ के लिए कई मस्जिदें कई गिरजाघर उठ गए। क्या है अभी तक मेरे को बीजेपी के लोगों ने ये नहीं बताया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी और कितनी योजना बीजेपी ने लाई 10 साल में और फंड बढ़ाया। मेरे को बताओ जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद योजना बनी, स्टेप बाय स्टेप को कभी बढ़ावा बढ़ोतरी नहीं बोलते साहब, पहला कदम रखते फिर दूसरा कदम रखते। अगर 150 करोड़ को इन्होंने 600 करोड़ किया है तो फंड ज्यादा आता है, GST भी ज्यादा वसूल रहे गरीबों से। अब दो पार्टनर रहते ना, तीसरा पार्टनर सरकार रहती है आज हर धंधे में जिसका नाम है GST। क्या है मेरे छोटे भाई, अपने वसीम खान ने बात बाबरी मस्जिद की शहादत की निकाली। बाबरी मस्जिद की शहादत इस मुल्क के ऊपर एक ऐसा दाग है जो कभी धुल नहीं सकता। अगर इनका कहना है तो मैं मानता हूँ, मस्जिद तोड़ने वाला भी और मस्जिद तोड़वाने वाला भी दोनों उतने ही गुनहगार है। अगर मस्जिद तोड़ने वाले को आप गुनहगार समझ रहे हैं तो कांग्रेसी भी कोई मासूम नहीं है मैडम। क्यों? उसकी वजह है ताला किसने खुलवाया, पहला मुद्दा। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उस वक्त दिल्ली में सरकार किसकी थी? पूरी इंटेलिजेंस आपके पास है। जब आपको पता है कि लाखों की भीड़ जो बेकाबू हो सकती है और उस इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां तक के वो भीड़ को पहुंचने नहीं देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी। उसके एक मिसाल देता हूँ, आपने अभी हाल ही में किसानों का आंदोलन देखा, जब पिछले वक्त किसान दिल्ली कूच करे तो उन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी उपद्रव मचाया, इस टाइम पे क्या किया उस वो ना हो करके नरेंद्र मोदी जी ने 200 किलोमीटर दूर हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर दीवार बना दी, खीले बिछवा दिए। तो क्या उस वक्त नहीं हो सकता था? जब आपको पता है कि लाखों की भीड़, पूरी इंटेलिजेंस है, रेलवेज के अंदर, बसेस के अंदर, कारों में, पैदल हजारों की, लाखों की भीड़, और भीड़ की कोई कलते जात नहीं होती मैडम। मुझे लगता है कि अब मुद्दा है यहाँ के जनता का, नागपुर की जनता का मुद्दा हमें। इतनी शर्म की बात है कि इंडिया के ही भारतवासियों को दिल्ली रोकने के लिए बॉर्डर बना दी गई, इतनी शर्म की बात है। मुझे बताइए कि नागपुर की जो जनता है, मुस्लिम जनता है, उनके लिए क्या कार्य बाकी है? ऐसा लगता है अगर आपके जो प्रत्याशी है वो चुनकर आते हैं तो कौन सा एजेंडा आपका होने वाला है? मुस्लिम जनता के लिए कई कार्य बाकी है। मुस्लिम जनता पश्चिम नागपुर से, जहाँ से हमारे कैंडिडेट MLA है, वहाँ पे एक बाबा बगदादिया नगर है जहाँ सैकड़ों मुसलमान रहते हैं, आज उसको तोड़ने का ऑर्डर आया था। आज हमारे वही MLA विकास ठाकरे बुलडोजर के सामने खड़े होकर, आपने भी कवर करा था स्टोरी, बैठकर उसको रुखाया गया। आज जो डोभी की बस्ती है रेलवे की, वहाँ भी नोटिस दिया गया है, वो बस्तियों को रोकने का काम हमारी विकास ठाकरे जी ने कलेक्टर से मिलकर रुखाया। तो ऐसे कई कार्य है, ऐसी मुसलमानों की कई समस्या है जो हल करना है। मोमिनपुरा आज ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उधर कई समस्या है, वहाँ फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर क्यों, क्या ज़रूरत है मोमिनपुरे में फ्लाईओवर की? क्या ज़रूरत है मोमिनपुरे में फ्लाईओवर की बताइए? मोमिनपुरे में इतनी दुकानें हैं जो उन लोगों का क्या होगा? आज वहाँ भी एक ने अपील किया, एक ने, तो वो काम रुक गया वहाँ पे, फ्लाईओवर का काम रुक गया है वहाँ पे। तो ये फालतू के जो ढकोसलेबाजी वाली सरकार है, और आपने बात की थी मुसलमानों के सुरक्षा की, तो मुसलमानों को सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार ये सरकार आई तो महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार आई तो संविधान बदलने की मार, और अब की बार ये सरकार आई तो मुसलमानों पे NRC और CAA की मार आएंगी। को लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में CAA को लेकर भी कई डर हमें दिख रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो अपने छोटे भाई को पहले ही बता दूं कि CAA का मतलब क्या, पहले ये तो समझो।
नागपुर में CAA का मतलब आप पहले समझाओ लोगों को कि देश में CAA का मतलब नागरिकता देने का काम है, नागरिकता लेने का। CAA में मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? मुसलमान वहाँ से परेशान होके है ही नहीं ना। और क्यों नहीं है मुसलमान? मुसलमान वहाँ से परेशान होके नहीं आए? मुझे बताइए, मुसलमान परेशान होके, जो लोग परेशान होके दूसरे समाज के वहाँ से आए यहाँ पर आए, वो है जो हिंदुस्तान में आजादी के बाद में कौम के आधार के ऊपर में हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना पहला ऐसा मुसलमान है जिसको मैं बोलता हूँ कि उसने अगर ये हरकत नहीं की होती तो आज ये इस देश के दो टुकड़े नहीं हुआ होते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं हुआ होता। मुसलमान जिन्ना ने वहाँ पर करके वहाँ पर पाकिस्तान बनाया, और वहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो लोग वहाँ पर थे जो वहाँ रहे, तो उनको लोग जो जरूरत थी उनको हिंदुस्तान में आया था, उनको यहाँ पर नागरिकता देने का काम ये है CAA। और NRC नाम की कोई चीज़ वजूद में नहीं है, NRC नाम का कोई भी नहीं है, NRC पे कोई बात ही नहीं है, किसी ने कोई बोला ही नहीं, NRC का वजूद ही नहीं है। हम जनता में भी जाएंगे, जनता में जाएंगे क्योंकि NRC का कोई वजूद नहीं है। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने NRC के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर में बिल फाड़ा है। ये मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक सिक्के के दो पहलू है। मुसलमानों के लिए इनके पास में कोई भी योजना नहीं है, मुसलमानों का सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता है, जनता से भी हम सवाल जानना चाहेंगे, जनता कुछ बोलना चाहती है। क्या बताओगे CAA को लेकर? देश के गृह मंत्री अभी पिछली बार कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने चिल्लाकर बोले कि हम अगर चुनकर आए तो जो मुस्लिमों का जो आरक्षण है 4% वो कैंसिल कर देंगे हम। देश के चुने हुए गृह मंत्री वो ऐसा बोल रहे हैं, मैडम तो BJP क्या काम कर रही है? ये तो मुसलमानों के सरासर खिलाफ है। और CAA जो है इसमें भी देश के गृह मंत्री ने संसद में पिछली बार चिल्ला के बोला गया है कि हमारी क्रोनोलॉजी समझिए, अभी हम CAA बिल पास कर रहे हैं, इसके बाद में NRC भी विचाराधीन है, यानी आने वाला विचाराधीन है। बोले मुझे एक बार बताया भी, इन्होंने कहा कि 4% आरक्षण मुसलमानों का छीन लिया जाएगा। आपको यही नहीं मालूम कि EWS के माध्यम से 10% आरक्षण सरकार ने दिया आपको? मुसलमानों को 10% आरक्षण EWS इकोनॉमिकल सेक्शन में, उसमें भी के अंदर में 10% आरक्षण का आरक्षण आपके पास में लागू है, तो 4% से आप क्या बात कर रहे हैं? और रही बात NRC लागू करेंगे फ्यूचर, तो लागू होने वाला नहीं है, कोई वजूद में नहीं है, ये सब फालतू की बात है, ये लोगों का भ्रम है। और ये जो बात बोलते हैं लोगों को, जो जनता तक बात है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतागणों ने फैलाई है और मुसलमानों को दूर रखना चाहती है बस। मैं NCP के जो नेता है उनके पास जाना चाहता हूं। ये जो बात इन्होंने बोले कि हम NRC लागू नहीं करेंगे, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, यही गृह मंत्री साहब बोल दे हम मान जाएंगे, ताली बजा देंगे। देखिए, मेरे छोटे भाई ने दो बात की, एक संविधान की और दूसरी CAA की। मैं संविधान के ऊपर पहले बोलना चाहता हूँ। संविधान जो है वो बदला नहीं जा सकता, अगर बाबा साहब भी आ जाए ना तो संविधान बदला नहीं जा सकता। उसका एक मिनट, उसका रीजन है, एक मिनट नहीं, मैंने नहीं बोला, नहीं वो भी अगर आ जाए नहीं, सुनो, बाबा साहब भी अगर आ जाए, जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर वो खुद भी अगर आ जाए तो भी बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बदल, सुन लो पहले मेरी बात 1973 में, देखो बात लॉजिक की करिए जो है, गुमराह मत, एक मिनट मैडम प्लीज, 1973 में केशवानंद भारती के केस में 13 जजों की सुप्रीम कोर्ट की रुक जाओ, जनता भी कुछ बोलना चाहती है, आइए क्या बोलना। मैं ताजबाग परिसर से बोल रहा हूँ, शेख इसहाक साहब, कांग्रेस हो या BJP हो, आज 10 साल हो गए BJP को आने, कांग्रेस भी रही वहाँ, तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आज जो फंड आया था बाबा ताज दरगाह के लिए,
सिर्फ यहाँ का विकास हुआ। इन लोगों को मालूम होना चाहिए आज झोपड़पट्टी बसी हुई है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का आदमी आता है, तो आजू बाजू का परिसर कैसा होना चाहिए। आज वो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे, जाकर देखिए गंदगी कितनी है। अब ये बोलते हैं कि हम 10 साल से आए तो हमने ये कर ली, कांग्रेस बोलती है कि हमने ये कर लिए, तो कहाँ गई है? आकर अपने आँखों से देखो। मेरा ये कहना है कि ताजाबाद परिसर, हमारे मुस्लिम एरिया तो सभी नागपुर शहर के बेकार है, समझ रहे? गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है और हम लोगों को कुछ बोलना नहीं आता करके हमारा ये फायदा उठाया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है। दोनों पार्टियों पे जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। क्या आइए आइए सामने आइए आइए आइए। जनता से हम जानते हैं कि उनके कुछ सवाल है नेताओं से। मैं ताजबाग से आता हूँ और युवा हूँ, सेकंड टाइम वोट है। पहली टाइम तो मैंने बीजेपी को वोट दिया था, अब मैं नहीं देना चाहता। जो एरिया से आता हूँ मैं, वो एरिया में विकास ही नहीं है। ओमड़ेन इलाका है, गडन लाइन बरोबर नहीं। मेरे जो छोटे भाई लोग हैं, मैंने तो अपनी निकाल लिया, 25-30 साल एज है अपनी निकाल लिया। मेरे जो छोटे भाई है उनका भविष्य बहुत ही खतरनाक है। आड़े थेड़े यार सोशल मीडिया पे आड़े टेढ़े कमेंट आते हैं ओमड़ेन से रिलेटेड, हाँ, और कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है। ठीक है, टोपी पहनने के बाद जब बाहर निकलता हूँ मैं, हिंदू बस्ती में कहीं जाता हूँ तो गौर से देखते हैं हमको, यार हमने ऐसा क्या कर दिया। हम भी एक नागरिक है और हम भी देश के बाइज्जत नागरिक है, हमारा भी इतना योगदान है जितना आप लोगों का है ना। बढ़िया सवाल जो है इनकी ओर से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों पार्टियों से मैं जानना चाहूँगी, कांग्रेस और बीजेपी से, जिस तरह से सवाल उन्होंने किया बहुत सही सवाल किया उनने। उनको खुद की भी फिक्र उतनी है और फ्यूचर की भी फिक्र उतनी है। आज इतना बड़ा स्टेटमेंट, आज आप मौलाना सलमान रिजवी की बात लो, उनने एक शायरी बोला और अनइंटेंशनली किसी के लिए बोला, शायरी बोला उनने फिलिस्तीन के लिए शायरी बोले तो उनको आज अंदर कर दिया गया। वही एक बाबा हज़रत अली के बारे में बोलते हैं तो उनको अभी तक अंदर नहीं किया गया, तो ये कितनी बेकार बात है। क्या बताना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि नागपुर शहर में अगर वो टोपी पहन के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है। वो इतने सारे नागपुर शहर के अंदर में लाखों की तादाद में मुसलमान टोपी पहन के सरेआम रास्ते पे घूमता है, रात को 1-2 बजे आज तक तो कोई शिकायत नहीं आई। आज तक तो किसने नहीं बोला, आज तक नागपुर शहर से एक भी वारदात कोई बोलेगा आया तो ये मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता, नहीं बिल्कुल। नागपुर से आज तक किसी ने नहीं बोला। और यहाँ पर लोगों को ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर लोग बिल्कुल विकास की बात करते हैं, लोग काम की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लोगों के घरों के अंदर में जो ये बताया भाईजान ने समस्या है, गटर लाइन ने, हम उसके ऊपर में काम करते हैं। जो झोपड़पट्टी के अंदर में रहते हैं गरीब बस्ती के लोग, उनके लिए मकान देने का काम करते हैं। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ये इंसानों का डेवलपमेंट नहीं करते, ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करते, ये शहर का विकास कर रहे हैं और शहर के नागरिकों का विनाश कर रहे हैं। ये ऐसी बात है, इनका ये बोलना है हम शहर का विकास करते हैं, लोगों के ऊपर काम नहीं करते, हम गटर बनाने का काम करते हैं। शहर का विकास करते हैं, लोगों का विकास नहीं करते हैं। और बीजेपी का कहना है कि हम विकास कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी विकास हो रहा है मुस्लिम परिसर के। मैं अपने छोटे भाई जो अभी उन्होंने कहा, मैं उनसे यही एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बता दे कि पिछले 25 साल में इनके जो खासदार थे विलास मुत्तमवार जी, इन्होंने शहर में मुसलमानों के लिए क्या विकास किया, क्या काम किया, कितनी स्कूलें बनाई, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी लाइब्रेरीज बनाई, ये बता दें इनको, दीजिए माइक। मैं यही सवाल लेकर जो खुदाम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनसे जानना चाहूँगी कि जो जनता है उनकी समस्या क्या है, क्योंकि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो, समाज से आते हो, क्या बताओ? देखिए, जहाँ तक के विकास की बात है तो विकास तो यहाँ पर काफ़ी हुआ है। आप सहमत हो विकास से? विकास से हम सहमत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का पूरा देखिए गटर लाइन वगैरह देखिए ताज, मैं बात सिर्फ ताजाबाद परिसर की करूँगा। विकास की आपकी परिभाषा आउट, आउट में क्या उसका वो हमको लेना दे, आज आजू बाजू का वो मामला अलग है। नगर देखिए नगर सेवक जो है कांग्रेस का है,
बीजेपी के भी है, कांग्रेस का भी है, लेकिन कांग्रेस के नगर सेवक का ये हाल है कि उनसे अगर कोई समस्या के लिए उनसे बात करने जाओ, तो बात करना तो दूर, वो मिलना नहीं चाहते। तो हमने अपनी समस्या लेके जाना कहाँ पर? क्या कौन से कॉर्पोरेटर? देखिए, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन औलिया का जो दरबार है वहाँ की सेवा करते हैं, और हमने इस बार मन बना लिया है पूरे खादिम समाज ने और खादिम समाज के परिवार ने, क्या हम विकास को देखते हुए इस बार नितिन जी गडकरी को वोट देंगे। विकास को देखते हुए जो है खादिम ट्रस्ट के ओर से जो है नितिन गडकरी को वोट करने का मन बना लिया है। खादिम के बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ के खादिम किसके साथ है हमको पता है। एक ये खादिमों के मुखिया बन गए, ये खादिमों के मुखिया है। जरा 100 खादिम खड़े करो जो बोलेंगे बीजेपी में, कोई नहीं बोल रहा। तुम्हारा स्वार्थ है, कोई तुम लीगली यहाँ के खादिम के चेयरमैन नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है इसके पीछे। नहीं तो तुम यहाँ के जो चेयरमैन है, वो यहाँ के चेयरमैन बहुत अच्छी साफ सफाई करते हैं, इनकी भी साफ सफाई करने वाले थे, तो इनका स्वार्थ है, ये इसलिए रुके हुए हैं। स्वार्थ के लिए रुके हुए हैं। चेयरमैन जो है साफ सफाई करते हैं और इनकी भी साफ सफाई हो जाएगी, क्या बताना? यहाँ तो बात इनके मोहल्ले की, ये कहते हैं कि यहाँ पर मोहल्ले में काम ही नहीं होता है। ये गटर लाइन के यहाँ के नगर सेवक इनके कांग्रेस के हैं, नगर सेवक कांग्रेस के हैं। नागपुर के अंदर में जितने भी मुसलमान क्षेत्र है सारे नगर सेवक कांग्रेस के, और आप इल्ज़ाम दे रहे मुसलमानों की बस्तियों का। नागपुर के भैया नगर सेवक आप कह रहा कि आप में इतनी ताकत नहीं है, कि नगर सेवक जो आपके है, एक मिनट, आपके नगर सेवक होने के बाद में आप काम नहीं करा सकते? अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी, गंजीपेट क्षेत्र में जाइए आप, वहाँ पर जाके पूछिए, रजवाड़ा पैलेस के पीछे के क्षेत्र में जहाँ पर 40 साल से गटर बह रहा था बस्ती के घर के अंदर में, ठीक है ना, मैंने जाके करके दिया आपका एरिया है। अरे महापौर का एरिया है शंकर तिवारी का है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं महापौर का एरिया है, लेकिन मुस्लिम समाज का एरिया है। मेरा काम था भारतीय जनता पार्टी के काम के उससे नाते मैंने वहाँ काम करा, वो मध्य नागपुर का एरिया है, दया शंकर तिवारी वहाँ के महापौर है, विकास कुमार वहाँ के विधायक है, और मध्य नागपुर में नितिन गडकरी जी रहते हैं। 40 साल से जनता बताएगी कि विकास क्या हुआ। हमारे साथ जनता में से एक सवाल है, उनसे हम जानते हैं, क्या सवाल है? मेरा ये यहाँ पर मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस का एक विधायक है जो पिछले 5 साल से यहाँ पर आया नहीं। और मैं दूसरी बात ये कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के हिसाब से, विधायक की बात नहीं कर रहा मैं नगर सेवक की बात कर रहा, और ये लोग जो बात कर रहे हैं ना कि ये बीजेपी को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले आज वोट लेके इनका जो मुख्यमंत्री था अशोक चव्हाण वो बीजेपी में भाग गया, कल इनका ये जो जिसको वोट दे रहे वो भी बीजेपी में चले जाएंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो मुसलमान कहाँ जाएगा, ये सवाल एक है कि मुसलमान कहाँ जाएगा, तो आपसे ये मेरा सवाल है। मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान अपने घर पे जाएंगा, आराम से सोएंगा कांग्रेस की सरकार में, और अगर से मुसलमान बीजेपी के सरकार में रहेगा तो रोज उसको डर लगा रहेगा कि मेरा बच्चे का कहीं आज कुछ कत्ल तो ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। देखिए कि बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उपस्थित किया पब्लिक के सामने और सरेआम न्यूज चैनल के सामने, मेरे छोटे भाई कांग्रेस की तरफ से ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि वो मुसलमान आराम से मतलब उनके साथ में घर वापस आएंगा कि नहीं। ये तो सरासर मुसलमान अभी फैलाने का काम हो गया, मुसलमान अभी अतिक्रमण फैलाने का काम मत करो, काम करो विकास की। मुसलमान कौम का विकास कैसे करेंगे? मुसलमान कौम का विकास कैसे होगा? वो उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ेंगे, उनके घर कैसे अच्छे होंगे, ये बात करो। मुसलमान अतिक अहमद को भूल गया मुसलमान, क्या बीजेपी सरकार अतिक अहमद को उड़ाई नहीं? वो बोलना चाहते। देखिए मुसलमानों के खिलाफ जो देश के अंदर में अभियान चल रहा है, ये पूरी जनता जानती है, पूरे मुसलमान जानते हैं कि मुसलमानों को कैसा दरकिनार किया जा रहा है। इसके पहले इनने राजेंद्र सच्चर कमेटी की बात किए थे, उनको भी कांग्रेस के ज़माने में खड्डे में डाल दिया गया, उस पर कोई अप्लीमेंट किया नहीं गया है। वही पहलू इस, क्योंकि कांग्रेस से लोग भागते बीजेपी में, बीजेपी से भागते कांग्रेस में, दोनों एक सिक्के के दो पहलू मैंने बताया हूँ, ये हमने दो सिक्के के पहले बताया हूँ। हम कोई कांग्रेस के साथ, हमारी भूमिका ये है
कि मुसलमान तय करेगा, मुसलमान एक तो विरोध दर्ज करेगा, वो बताएगा कि हमको पार्टी कैसी हमारे साथ में ये कर रही है। क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति, देखो देश की राजनीति, देखो क्या हो रहा है। हमारे ओवैसी साहब एक वायस शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ओवैसी साहब एक लीडर नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड एक ही पहलू की दो सिक्के हैं कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर इतनी मुसलमानों की परवाह है तो खुलेआम कांग्रेस के साथ में बोले और कांग्रेस के साथ में आए, बात करो। फिर हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार शुरू है नितिन गडकरी के प्रचार में, जो ट्रस्ट के चेयरमैन है वो खुद वहाँ रहते हैं। किस तरह से प्रचार हो रहा है, क्या बताओगे, क्या बताया जा रहा है मुस्लिम भाइयों को? मुस्लिम भाइयों को तो एक ही बात ही बताई जा रही है सीधी सीधी कि गडकरी साहब ने क्या काम किया, उनके कार्यों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर हमारे खासदार नितिन जी गडकरी रहे, लगातार 10 सालों से अधिक प्रयास करके उन्होंने नागपुर शहर का पूरा चेहरा मोहरा एकदम ही चेंज कर दिया। आज आप देखिए देश के अंदर में कोई ऐसा शहर नागपुर शहर जैसा नहीं है, ऐसा लगता है कि विदेश के अंदर में हम घूम रहे हैं, नागपुर शहर में आए हैं ना। और यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कौन से विदेश में घूम रहे हैं? लंदन के पीछे की बात है, मेरे शहर भी तो नागपुर शहर जितना अच्छा है कि मेरे शहर से भी अच्छा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नागपुर शहर को लेकर बात हो रही है, हम जो है राष्ट्रवादी के शरद चंद्र पवार गुट के जो नेता है उनसे जानेंगे। बिल्कुल जनता के पास भी आते, वो जनता के सवाल जो है ना, ये इधर से सवाल आया जो मैंने मुद्दा बोला था, जो आज भी डर है लोगों में, ये झोपड़पट्टी में विकास नहीं हो रहा, उस पर बात ही नहीं कर रहे, झोपड़पट्टी में बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे बात, 70 साल नेहरू जी, कांग्रेस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये मोदी ने क्या किया नहीं बताएंगे, गडकरी ने कौन सी योजना लाई नहीं बताएंगे, इनके पास कोई योजना नहीं है मैडम, सिर्फ एक का डर, एक ये ईडी का डर बताते, वो दूसरे का डर बताते। ईडी के कारण लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, आप और डरे हो, हमारे लोग और चले जाएंगे आपके पास, आप तो मंथरा हो जी, झगड़े लगा रहे घर में। वेलकम किया गया है बीजेपी की ओर से, जनता में जाते हैं, जनता से हम, जनता से हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति को देख के वो अपनी कांग्रेस को छोड़ गया, कांग्रेस के साथ में उनके साथ में, कांग्रेस में उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ इसलिए वो छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सबके साथ में न्याय होता है, इसलिए कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। अरे भाजपा जहाँ किसी को कुछ करने देती है ना कुछ बोलने देती है, जैसा मेरे दोस्त आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, माइक छीन ले रहे हैं, इनका प्रमोशन हो जाएगा इंशाल्लाह अगर से कुछ हो गया तो। लेकिन यहाँ कौम की बात चल रही है, यहाँ वोटों की बात चल रही है, तो उसी पे हम लोग विकास पे और कौम पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। समाज का रुझान क्या, तो मैं एक सीधा मेरे समाज को और सभी को ये बताऊँगा कि आप नितिन गडकरी को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को जाएगा, और आप बीजेपी को वोट देंगे तो एक विनाशकारी पीएम आपको फिर मिलेगा, फिर उसके बाद 2024 में आपको क्या होगा वो आप खुद जानते हो। ठीक, विनाशकारी पीएम जो है अगर गडकरी को वोट देते तो देश को मिलेगा क्या का? अगर विनाशकारी पीएम होता तो विनाश हो जाता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप लोगों की सोच ऐसी है कि विनाश हुआ है, सिर्फ विकास हुआ है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने, गडकरी साहब ने, नागपुर से गडकरी साहब आते हैं, अगर देश का मंत्रालय कोई काम करता है नागपुर शहर से तो गडकरी साहब करते हैं। पूरे देश के अंदर के किसी भी कोने कोने में जाइए, जिस गांव के अंदर में आप लोग जाते थे आपकी गाड़ियां पंचर होती थी, आज उस गांव के अंदर में जाने के लिए आपकी गाड़ियां पंचर नहीं होती। नागपुर कामटी के अंदर में पूरे सिर्फ मुसलमान लोग रहते हैं, वो रोड बनाने का काम 4 लेन जो है वो गडकरी साहब ने कर दिए। इतने स्पीड जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है और जान चली जाती है। तो आपके ऊपर में बनी हुई है ना, आप स्पीड लिमिट बना के चलिए, बरोबर चलेंगे। देखिए हमने इससे पहले भी कहा है कि नागपुर शहर में 10 साल ये खासदार रहे, कोई भी मुस्लिम एरिया का कोई विकास नहीं किया है इनने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये मुसलमान तय करेगा कि वोट किसको दे रहा, हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस रहे, मुसलमान तय करेगा, जनता के, जनता से भी जानते हैं, जनता से। आइए 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 बोलिए मैम, क्या क्या बता। देखो चुनाव में तो देखिए आप जनता की उसमें है, हम कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि भाई बोले है वो सही है, 100% सही है, उससे सिवा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं हैदराबाद का हूँ, ये यहाँ पे जो है प्रभाग क्रमांक 30 आता है ये, और यहाँ पर बीजेपी के 3 कारपोरेटर है मैडम, और कांग्रेस का 1 कारपोरेटर है,
और यहाँ पे दुविधा की बात देखिए आप ताजबाग के विकास की, नाला पीली स्कूल के पास से नरसाड़ा के लिए बहता है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है यानी यहाँ से पीली स्कूल से लेकर रिंग रोड तक यहाँ पे नाले की कंक्रीट की दीवार नहीं बनी है मैडम अभी तक। पिछले छः बार कंप्लेंट होगी उसकी, लेकिन अभी तक कंक्रीट की दीवार नहीं बनी, और ये बोलते हैं कि विकास हो रहा है, काय का विकास हो रहा है ये भी। और छः बार कंप्लेंट हो गई मैडम उसकी नाले की, और मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए उसका नहीं बन रहा मैडम, और वही जगह वहाँ पे सर्वश्री नगर जो है मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए, हाँ इसलिए नहीं बन रहा है। और गटर लाइन और जो पीने के पानी की जो समस्या है मैडम, ये टंकी अभी नहीं बनी है यहाँ पर, पीने के पानी की जो समस्या है, पीने के पानी में गटर लाइन का पानी मिक्स हो रहा है मैडम, तो वो ये भी तो एक समस्या है, ये जन समस्या ही तो हल नहीं हो रही है मैडम अभी, तो इस पे पूछिए भी जन समस्या हल नहीं हो रही। क्या बताओगे, मुस्लिम समाज का ये क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सबके काम होते हैं, बाकायदा एक उसकी पद्धत होती है, एक पद्धतशील उसके हिसाब से नगर कॉरपोरेशन के अंदर में एक रिटर्न में एप्लीकेशन यहाँ के नगर सेवक ने देना चाहिए। तो हम पब्लिक से जानते हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है, बहुत ही कम शब्दों में बताइए क्या। हाँ, मेरा बीजेपी के लोगों से एक ही सवाल है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, मगर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को ना टिकट देती है, ना कोई खासदार का आमदार का, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? संविधान में तो ऐसा है नहीं, मगर इनकी नीति ये है कि एक भी नगर सेवक से लेके आमदार और खासदार तक चुनाव में जो है टिकट मिलता नहीं, ये आपका एक मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, आपका क्या मुद्दा है? यहाँ पे कौन सी सुविधाएं आपको लगती है होना चाहिए या हो गई है? मैं यहाँ तो मैडम विकास नागपुर शहर के अंदर कोई भी एरिया के अंदर नोमेडन समाज के अंदर जैसे जहाँ भी देखेंगे उनको सुने आ रहा सब, तो इतना खास विकास नहीं है। रही बात बीजेपी कांग्रेस इसकी बात का मसला तो है नहीं, मुद्दा है महंगाई का, गरीबी बेरोजगारी, समझे बात? इस पर कोई चर्चा नहीं कुछ कर रहा है, इस पर अभी तक मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ बहस हो रही है, ये लोग सब एक है बराबर है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ इतने साल से, आज महंगाई इतनी बढ़ गई चुकी हो चुकी है, 350 रुपये का सिलेंडर 550 का 1700-1400 तक के पहुँच गया, पेट्रोल 37 रुपये लीटर 107 रुपये लीटर हो गया, वो कांग्रेस के राज में नहीं था, ये बीजेपी के राज में हुआ। बीजेपी के राज में जो है महंगाई बढ़ी है, ऐसा आपका कहना है। आप युवा हो, क्या बताना चाहोगे, क्या मुद्दों को लेकर आपको लगता है ये इलेक्शन हो रहा है, किसे आपका सांसद देखना चाहते हो, भावी सांसद, और आपके परिसर में कौन सी समस्या? और हम तो देख रहे हैं मैडम क्या बस महंगाई चलते जा रही है और हमारा कुछ बराबर काम हो रहा नहीं, बस हम लोग बेरोजगार लोग हैं, बस गरीब लोग हैं, और इनका बस चुनाव के टाइम में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो, इतना बोलते हैं चले जाते हैं, हमको मीठा बोलते चले जाते। चुनाव के दरमियान लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं, कोई वादे जो है पूरे होते नहीं, ऐसा भी उनका कहना है। यहाँ कुछ हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, कई उन्होंने जो है इलेक्शन देखे होंगे, क्या बताओगे चाचा, क्या समस्याएं हैं परिसर में, आप जहाँ कहाँ रहते हो? आप नहीं रहते, क्या लगता है विकास हुआ है 10 साल? प्यारे साहब ने किए विकास और करते रहेंगे और कर ही रहे, जब से वो आए विकास बहुत हुआ है। नितिन गडकरी साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों की समस्या है ये लड़ाई छोड़ो, मेन बात ये है कि लोग आए दिन बिजली से परेशान है, आए दिन धमकियाँ देते बिजली की कि प्रीपेड मीटर ला देंगे, पोल के ऊपर मीटर लगा देंगे, ऐसी कुछ केजरीवाल ने जैसा किया दिल्ली में ऐसा कुछ यहाँ करके दिखाओ बोलना। हम वही सरकार के साथ में जो है कि नहीं लोगों के हित में है, आए दिन बिजली के रेट बढ़े, हमारे को दो दो टैक्स देना पड़ता है, कारपोरेशन को देना पड़ता और NIT को टैक्स देना पड़ता, अनसन टैक्स के रेट बढ़ा के रखे, कोई विकास नहीं कुछ नहीं बस्ती के अंदर में। विकास के मुद्दे को लेकर जो है आम जनता जो है महंगाई की मार झेल रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है तो कहीं किसी का कहना है विकास हो रहा है, और वो खुद नितिन गडकरी को अगला सांसद देखना चाहते हैं। कई मुद्दे हैं जनता में, कई प्रश्न हैं उनके, और हमारे साथ जो है सभी पार्टियों के नेता यहाँ उपस्थित है। सबसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ मैं कि जिस तरह से जनता से सवाल आ रहे हैं, नागपुर के मुस्लिम परिसर है या मुस्लिम जनता है वो क्या चाहती है, आपने सुना है, क्या बताऊँ? जो जनता से सवाल आ रहे वो विषय पे मैं बोल चुका, मूलभूत सवाल, सोशल इकोनॉमी कैसे बढ़ेंगे, कैसे कमाएंगे और कितना कम खर्चा होगा, ये मूल मुद्दे हैं। इसके हट के अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी बातें आपके करने के लिए। दूसरी बात,
कि वोट किसको देगा मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा अधिकार है, वो किसी को भी वोट दे अपनी पसंद से। कोई ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, किसी ने होलसेलर नहीं बनना चाहिए, कोई उनका स्टॉकिस्ट नहीं बनना चाहिए कि ये मुस्लिम मेरे बोलने पे वोट देते। उनको पूरा स्वतंत्रता दो। और आखिरी में एक लाइन बोलता हूँ, नितिन गडकरी जी बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि मुझको मत देखो, विकास को देखो, विकास को देखो, तो आप भी विकास को देखो इस बार। धन्यवाद। विकास को देखो, विकास को देखो, ऐसा इन्होंने कहा है। आपने जनता की जो है समस्याएं सुनी है, उनके मुद्दे सुने, बहुत ही बेसिक उनके मुद्दे थे। क्या 2014 में गडकरी साहब को नागपुर के मुसलमानों ने 7,000 वोट दिया था, रुको ना यार कमेंट मत करो बीच में, और 2019 में 3,500 वोट दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट को लाखों दिया। अब गडकरी साहब ने मुसलमानों को वोट ना मिलने के बावजूद क्या दिया, क्योंकि वो हमेशा बोलते आप वोट दो तो भी काम करूंगा और नहीं दो तो भी काम करूंगा। तो हमारे प्यारे खान साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके इसरार पर क्या क्या दिया, मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा मैडम। एक तो आप तो देख रहे हैं यहाँ परिसर में कितने करोड़ का काम चल रहा है और आगे चल रहा है। जो सबसे बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1931 की मोमिनपुरा में मुस्लिम लाइब्रेरी थी जिसका हम भी मेंबर थे, हमारे वहाँ पर हमारे नहीं 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 सुनिए 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 एक प्लीज़ नहीं 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 सुनिए सुनिए तो एक 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 मिनट सुनिए, मुस्लिम लाइब्रेरी अभी एक मिनट प्लीज़ एक मिनट सुनिए, वो आज भी लाइब्रेरी है, ठीक है, सुन लीजिए एक मिनट प्लीज़ एक मिनट, ठीक है। हमारे वहाँ से 15 साल से एक मुस्लिम नुमाइंदा था, एजुकेशन मंत्री रहा कांग्रेस का, उसने आज तक एक रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि मैं वहाँ का खुद मेंबर था। आज प्यारे खान साहब के असरार पे, प्रवीण डटके जी के कहने पर, गडकरी साहब ने 20 करोड़ रुपया, एक दो नहीं 20 करोड़ रुपया उस मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए दिया है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और मैं आपको फिर एक बात बता, जो मेरे भाई ने बताया कि 30 साल पहले गडकरी साहब को एक कॉलेज मिला था इंजीनियरिंग, उस वक्त तो गडकरी साहब को पता नहीं था कि उनको लोकसभा लड़ना है, लेकिन उनको पता था अगर ये समाज के बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो देश और दुनिया में नाम करेंगे। तो उन्होंने 30 साल पहले उन्होंने अंजुमन हामी इस्लाम का, मैं वहाँ का भी जनरल बॉडी मेंबर हूँ, उन 30 साल पहले उन्होंने अंजुमन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन को दिया। और आज 30 साल बाद उन्होंने फिर क्या बोलते, जहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है 20 करोड़ की लाइब्रेरी, वहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 करोड़ की इमारत कैसी बनेगी, है ना। तो ये ई लाइब्रेरी उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, बना सकते थे, लेकिन वहाँ पर कहाँ पर ई लाइब्रेरी है, अरे नहीं मालूम आपको, मोमिनपुरा मोहम्मद अली सराय के सामने की बात कर रहा हूँ मैं, मोहम्मद अली मोमिनपुरा सराय की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 90 साल से बेवसी से आंसू रो रही थी। आज गडकरी साहब ने ये समझा कि अगर मुसलमान पढ़ लिख के अगर आगे आएगा तो अपनी कौम को और अपने सारे चीज़ों को तरक्की पे लेके जाएगा। और हम आज हम बता रहे, हम सिर्फ एक आदमी के शख्स को उसके चेहरे को देख के आए हैं जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, वो है प्यारे खान, बस उसको देखते हुए, क्योंकि वो समाज सेवा तो उसकी बार है लेकिन वो समाज में परिवर्तन लाना चाह रहा है। वो एक ही तकरीर कर रहा है अपनी हर जगह, मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं समाज को खड़े करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए, समाज को क्या बोलते बार्गेनिंग पावर दिलाना चाहता हूँ। मैं ये कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा हूँ, दिल्ली से लेके गली तक, आज तक कांग्रेस का कौन सा नेता है जिसने ये बोला कि मैं समाज को खड़े करना चाहता हूँ। प्यारे खान खुद पहले बना फिर समाज में आया, इनके लोग मंत्री सारे कॉलेजेस सारी इंजीनियर सब अपने अनि संबंध ने अपने यहाँ पर ले लिया, कौम को कुछ नहीं दिया। एक शख्स आया है उसको फतवों से क्या बोलते रोका जा रहा है, वो बोला ही क्या समझ में नहीं आ रहा, एडिट करके आप उसको तो ये होता है हर बार हर कौम में, जब भी अगर कोई आदमी बेलौस, वो मर्द मुजाहिद है, वो किसी से कहते कुछ मांगने नहीं आया, वो कौम को जगाने आया है। इनकी दुकानदारी, कांग्रेस के मुसलमानों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए ये झूठी षड्यंत्र रचकर उस आदमी को बदनाम किया जा रहा है। काम ना तो कांग्रेस ने पहले कहते दिल लायक करी, ना ही बीजेपी ने करी, लेकिन गडकरी को अगर आप तोलोगे और विकास को आप तोलोगे तो आप पाओगे कि गडकरी की आज ज़रूरत है दिल्ली में, ना कि विकास की। दिल्ली में गडकरी की ज़रूरत है ना कि।
पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसी ये बात करे अशरफ भाई ने कि मोमिनपुरा में लाइब्रेरी आई है, तो मोमिनपुरा में लाइब्रेरी जो आई है 20 करोड़ जो आए हैं वो 20 करोड़ की दीमक आई है, बीजेपी दीमक है, और वो मोमिनपुरा में भी लग चुकी है और मेरे एक भाई को खा ली है उनने, जो कि पहले कांग्रेस के थे, ठीक है। और दूसरी बात जो इनने करे, खैर इनकी बातों पे मैं क्या बोलूँ, ये थोड़ा आपसी इनके पर्सनल झगड़े हैं, इससे थोड़े से वो है। अनीस है, मैं खुद का बताऊंगा हाँ बताऊंगा। बोलिए आप, सिर्फ सियासती मुद्दों पर बोलिए। नहीं, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। 7 साल हुए मेरे को राजनीति में आने को, उसके पहले मैं कांग्रेस में नहीं था, जो भी पार्टी में से लड़ा था। 2 साल बाद मैंने यूथ कांग्रेस लड़ा, मैं अपने दम पे वाइस प्रेसिडेंट मांगा, कोई भीख मांगने नहीं गया। दूसरी बार भी मैं जो बना वाइस फिर प्रेसिडेंट बना, वो भी अपने दम पे। और जो आप भी अल्पसंख्यक के, तो मेरे में घट्स है इसलिए हक है, मेरे में क्वालिटी है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और बात रही टिकट की, वो भी मैं छीन कर लाऊँगा टिकट। और वो बात की बात, और आज कौम की बात जो कर रहे हो ना, हाँ, तो कौम का कोई रहनुमा नहीं हो सकता है। हम वो कौम है जो एक अल्लाह को मानने वाली है, बात ख़त्म हो गई। और हमारे कॉम में कल भी इंजीनियर थे, आगे भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये हमारी कॉम में भैया दीनी नॉलेज भी बहुत है और दुनियावी नॉलेज भी बहुत है। मैं आपके माइक में बहुत बोलता, एक चीज़ सुधारूंगा, ये बात मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन इनने जो बोले हैं कि यहाँ आपके, ये आप ही का चैनल था जो ये बोल रहे हैं कि बदनाम करने का काम हो रहा है, तो ये आप ही का चैनल था, आपने क्या एडिट करे क्या उसमें डाले ये हमको नहीं पता, हमने आपके चैनल के माध्यम से सुने, सभी समाज ने सुना और उसका जो भी आउटपुट था वो आपके सामने आया। तो मैं यही बोलूँगा, जो गडकरी साहब ने बड़ी बड़ी बातें करे थे कि मैं बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, मैं कहीं नहीं घूमूंगा, तो आज उनकी परिस्थिति आप देख सकते हो, जगह जगह पे गडकरी जी के क्या मोदी जी के बैनर लगे, मोदी के नाम पे ये वोट मांगे जा रहे हैं। और गली गली में गडकरी साहब कितने बार मोमिनपुरा आ गए ईद में एक दिन, अभी बार बार मोमिनपुरा के राउंड लग रहे गलियों के, उनको खुद को भी नहीं पता होगा मोमिनपुरे में कितनी गलियां है। बार बार वहाँ टेका बस्ती के राउंड लग रहे हैं, बार बार ऐसे बहुत से हमारे भाइयों को लालच दी जा रही है कि ये हो जाएगा समाज का, वो हो जाएगा समाज का, ये हो जाएगा। अरे मुसलमान खून खून में सियासत है, मुसलमान बहुत अच्छे से समझता है कौन हमारे लिए सही है कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं, और कई आरोप जो है अभी लगाए। अभी वसीम भाई ने, हमारे छोटे भाई ने बोला कि नागपुर शहर के मोमिनपुरा क्षेत्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने दीमक लाई है 20 करोड़ की। ये दीमक पूरे देश के अंदर में जो बोल रहे हैं दीमक, तो ये दीमक खाने वाली बात कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में अगर ये दीमक भारतीय जनता पार्टी लगा रही है तो पूरे देश को खा गई है क्या? पूरे देश का विकास हुआ है, इसको दीमक नहीं बोलते, इसको बोलते विकास का काम करने वाले लोग, इसको बोलते नितिन जी का काम। यहाँ पर रही बात, इन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर में ऐसा होता है, और ये गडकरी साहब को यहाँ पर रैली का क्या जरूरत है, वहाँ बार बार जाने की? आपको क्या जरूरत है जाने की? आपको तो, आप कांग्रेस ही है, आपको इतने भरोसा है आपको यहाँ से वोट मिलेंगे आपको, आप क्यों जा रहे हैं? जैसा आप सभा कर रहे हैं, जैसे आप रैली कर रहे हैं, वैसे नितिन जी भी गडकरी साहब रैली कर रहे हैं। मोइनपुरे में ईद मिलने वो हर साल आते हैं, चाहे वो चुनाव रहे ना रहे, खासदार थे ना थे, हर बार वो मोइनपुरा क्षेत्र में आए, इस बार भी आए। वैसे ही उन्होंने इस बार भी रैली की, जैसे आपने रैली की, आज भी इन्होंने रैली की यहाँ पर, वैसे गडकरी साहब ने रैली की है। तो क्या है बात, और बस काम की होना चाहिए, समाज की तरक्की की होनी चाहिए, एजुकेशन की होनी चाहिए। यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल आने वाला है इस ताजबाग क्षेत्र के अंदर में, आप उसको देखिए। नागपुर के अंदर में एम्स है ना 400 बेड का सैंक्शन हो गया है, बनने वाला है, आप समझ, बनने वाला है। और यहाँ पर एम्स आया, मेयो हॉस्पिटल और मेयो मेडिकल हॉस्पिटल पहले हुआ करता था, आज उसकी जगह एम्स हॉस्पिटल है। एम्स के अंदर में वही गरीब आदमी वहाँ पर जाके इलाज कर रहा है, अत्याधुनिक हॉस्पिटल बना के दिए। कई मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिमों का, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, जो चीज़ सैंक्शन हो जाती है उसको आचार संहिता में भी रोका नहीं जा सकता, वो चीज़ होती है। नागपुर शहर के तमाम युवाओं को
पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार अगर करने का काम किया है तो ये अभी नितिन गडकरी साहब ने किया है। मिहान में एक भी कंपनी यहाँ लागू आई नहीं है और विकास के नाम से सिर्फ फ्लाईओवर रोड के अलावा और कुछ नहीं है बस्ती के अंदर। आप हम बोल रहे हैं, ये पूरी जनता यहाँ जो खड़ी है ये सब बोलेंगी, बस्ती में आप घूम करके देखो, अगर बस्ती ताजाबाद शरीफ से लेकर के तमाम हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर जा करके देखो, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या बताओगे आप जनता से आते हो, आई जनता से आते हो, क्या बताओ? देखिए अब जो पार्टी के जो लोग हैं सबने अपने अपने लीडरों की तारीफ की, किसने क्या किया किसने क्या किया, लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम बताते कि ये ताजाबाद परिसर जो एक झोपड़पट्टी एरिया था, सलम एरिया इसको घोषित किया गया था, यहाँ पर आधी आधी संडास बना के कांग्रेस पार्टी ने दी थी, ठीक है, और आधी आधी संडास जो है लोगों ने अपने अपने पैसे से बनाया है। लेकिन उसके बाद में जो है ताजाबाद का जो पहले का जो वातावरण था और आज का जो वातावरण है वो आम जनता देख रही है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना हो गया है, पहले लोग यहाँ डरा करते थे आने के लिए, लेकिन अब बेखौफ होके आ रहे हैं। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल हुआ है, जब से गडकरी साहब यहाँ आए थे उन्होंने जो चैलेंज किया था यहाँ के बारे में कि यहाँ की गुंडागर्दी खत्म की जाए और यहाँ जो अवैध धंधे होते वो सब बंद किया जाए, उनके कहने के बाद में यहाँ से जो गुंडागर्दी है वो भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ जो गलत कार्य जो होते थे, जो गलत धंधे होते थे वो भी बंद हो गए और यहाँ का विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होने के चांसेस है। गडकरी साहब ने 400 बेड का ऐलान किया है बनाने का और वो इंशाल्लाह वो बन के रहेगा, क्योंकि वो जो बोलते वो होता है, समझे क्या? और मैं एक शेर सुनाकर अपने अल्फाजों को ख़त्म करूँगा, पत्थर के जिगर उनके और काटे हैं ज़ुबानों में, पत्थर के जिगर उनके काटे हैं ज़ुबानों में और हीरे भी निकलते हैं पथरीली चट्टानों में। तो नितिन गडकरी जी जो है नागपुर शहर के अंदर में एक हीरा निकला है, हम नागपुर वासियों ने उनकी कद्र करना चाहिए, वो अच्छा विकास करते हैं और वो अच्छे आदमी हैं। बहुत ही अच्छी शायरी के साथ जो है हम ये कार्यक्रम है ये समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर जो है सभी पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने अपनी राय रखी, जनता ने अपने मुद्दे सुनाए और इस सभी को लेकर जो है लोकसभा चुनाव का जो है आगाज़ तो हो चुका है और इसका जो नतीजा आने वाला है ये 4 जून को हमें पता चलेगा कि लोकसभा के लिए नागपुर से कौन सांसद बनकर आता है और किसे पसंद करती है ये जनता। क्या देखते रहिए BCN News। नमस्कार।